वरि वरक ये किसी ने सवाल किया है कि शुक्र अदा करने का तरीक़ा बता दें इस हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये है कि शुक्र किसे कहते हैं इमाम अबिन क्यम राम मदार युसाल में फ़रमाते हैं कि अशक््र जहूर अफर नमतरफ़ल शहद महब वाला जवार यही इनकियाव की शिक्र होता है कि अल्लाह रब्ज़त की नमतों का अपनी ज़बान के ज़रिए बंदा इजहार करें अल्लाह रब्ज़त की तारीफ़ के साथ और उन नमतों के अतराफ़ के साथ और इंसान के दिल पर अल्लाह रब्ज़त की मोहब्बत हो और उसके असरात हों और दिल भी इस बात की गवाही दें और इंसान के दीगर ज्वारे और अज़ा वो अल्लाह हरबुलज़त की इतायत और फरमाबरदारी और बंदगी बजा लाएँ तो ये शुक्र कहलाता है तो गोया कि शुक्र का ताल्लुक़ इंसान की ज़बान के साथ भी है दिल के साथ भी है और दीगर तमाम अज़ा के साथ भी है ज़बान से शक्र अदा करने का तरीक़ा ये है कि इंसान वो मसनू दुआएं जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ के इस्तेमाल के बाद सिखाई हैं इंसान उन दुआओं को वक्तन फवक्तन उस मौके पर पढ़े जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो शख़्स खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ता है अब खाना अल्लाह की न्यामत है उस नामत का पर अल्लाह इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का अगर ये अंदाज़ इख्तियार करता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हाजा वी मिन गैर रहा मनी वला कुआ के अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए जिसने ज़ात ने मुझे ये खाना खिलाया और उसने मुझे ये रिजक दिया और इसमें मेरी कोई कुत और ताक़त नहीं थी तो इसी तरह लिबास पहनने के बाद इसानी दुआ पढ़ता है, अलहमदल कसानी हदत फूबा वराजा मिन गैर होल मिन वूआा तो सुन नबी दाऊद में यह हदीस है कि अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं वह फिर मिन भी कि अल्लाह और रब्ल उसके गुज़श्ता गुना मुआफ़ फ़रमा देते हैं इसी तरह सुबह बेदार जब होते हैं तो हम सबसे पहले जो पहला अल्लाह के रसूल ने बेदार होने की दुआ सिखाई उसमें ज़बान से अल्लाह के शुक्र की अदायगी का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अहाना अमातना वन सुबह शाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अजकार में यह दुआ सिखाई है रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं من قال اللهم ما युसब अल्लासबाबी मिन नाम ओब अहदमिन खल़ फ़मीन का वाहद कल शरीक फलक अलहमद वल का الشكر ये सोना नबी दाऊद की रिवायत है शे, शे, शेखनबाज़ रहा उन्होंने और बाज़ दीगर हज़रा ने इस रिवायत को हसन भी कहा है बाज ने इसकी सनद में कुछ कलाम भी की है कि नबी फरमाते हैं जो शख्स के वक़्त ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह इज़्ज़त का उसने गोया के सारे दिन का शुक्र अदा कर दिया अल्लामतिन ओब्यादी बिन खल़ फमिन शरीक फलक अलहमद वाला का शिक्र इसके अलावा सलफ़ साल उनके जो अकवाल हैं उनसे यह समझ आती है कि शिक्र नमाज भी शुक्र है इमाम अबू अब्दरम सुलेमी फ़रमाया करते थे असलात शुक्रन नमाज़ शुक्र है व सयाम शिक्रन और रोज़ा भी शुक्र है वकुल ख़ैरन ताम अज्ज़ वजल शुक्रन और हर वो ख़ैर और भलाई का काम जो तुम अल्लाह रब्ल के लिए करो वो सब ही शुक्र है व अलहमद और सबसे अफजल तरीन शुक्र वो ज़ुबान से अल्लाह की तारीफ़ करना है इमाम मोहम्मद बिन काबलकरज़ी कहते हैं अल्लाह रब्बुल शिक्रब्ल का इख्तियार करना और नेक अमल करने का नाम शुक्र है नबी कायनतम का अमल भी यही बताता है आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम रात को बड़ा लम्बा क़्याम करते हती कि आप कदम मुबारक उन पर वरम आ जाता तो सैद आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा क्यों करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फ़रमाया था अफला अला हिब्बाअुन अब्दन शक्कूरा जब रबालमीन ने मुझ पे इतना करम नवाजी की है कि फ़फ़िर व मा अख़र कि रब्बालमीन ने मेरी अगली और पिछले सब मवाफ़ फरमा दिए हैं और मुझे मासूम बना दिया है तो अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं कि मैं अल्लाह इज़्ज़त की इस नियामत पे अल्लाह का शुकर ना अदा करूं शाकिर बनने का एक तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि जिस शख़्स के अंदर दो खसलतें और ख़ूबियाँ हों तो अल्लाह इज़्ज़त उसे अपने यहाँ शाकिर और साबिर लिख देते हैं जो शख्स अपने दीन में उसको देखता है जो उससे ऊपर हो

कि अल्लाह ताला ने मुझे उन परेशानियों से बचा रखा है जिसमें इसे मुब्तला किया है तो अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं क़ब्शाकन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको शाकिर और साबिर भी लिख देते हैं ये जामे तिरमजी की रिवायत है इसी वजह से नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि ए, जो किसी आज़माइश में मुबतला है तो आप उसको देख कर ये कहो अलहमदल्लाधानी मम्मला कभी ही वफ़ वाल अला कसर ममन तो ये भी अल्लाह रब्त का एक शुक्र है अल्लाह रब्ज़त की अता करदा नमतें उनको इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करे तो ये भी अल्लाह रब्ज़त का शिक्र है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान को अपने आमाल के साथ और अमाल साल के साथ और ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ के साथ शुक्र अदा करना चाहिए वहाँ अपने महसिन जो इंसानों में से हैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फ़रमान है ला मन ला शुर्न्नास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा नहीं करता रसूल अक्रम सरमाया था कि अगर तुम से कोई खैर और बढ़ाई का मामला करता है और उस खैर और भराई करने वाले से तुम कह देते हो जजाक अल्लाह ख़ैरा तो ये भी गोया कि तुमने उसकी तारीफ़ में जो है ना उसका हक अदा कर दिया तो इंसान को कम अज़ कम ये दुआ दे देनी चाहिए बहर ये मुख्तलफ़ रवायात में जो मालूम होता है शुक्र अदा करने का तरीका तो मैंने मुख्तर नारज़ किया है अल्लाह रबुज़त हम सबको अपना शाकिर बनाए और जाकिर बनाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब सिबी सदी मुआज रज़ी अल्लाह तु को यह कहा था मुआज मैं तुम्हें यह वसीयत करता हूँ कि कभी भी तुम नमाज के बाद यह दुआ ना छोड़ना अल्लाइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व वसन इबादतिक ऐ परवरदिगार मेरी मदद फ़रमा कि मैं तेरा ज़िक्र करने वाला और तेरा शुक्र करने वाला और तेरी ख़ूबसूरत इबादत करने वाला बन जाऊँ और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से ये दुआ भी है रबी जालनी ल का शक्ारन ल का झक्ारा ल मुतिया रोह ल मुझे अपना बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला बना दे बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला बना दे और बहुत ज़्यादा अपने से डरने वाला बना दे और अपना फरमाबरदार बना दे अल्लाह रब्ज़तमल की तो़ीक दे असलम आलिकम वरहमल् वर्क i